और ये मक्खियों ने उस पे हमला कर दिया। वेलकम टू फादर एंड सन शो। आज का गेम प्ले है 11 11 11। देखते हैं जी आज की इस वीडियो में हमें क्या ऑब्जेक्टिव मिलता है, और ये चैप्टर वन का लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा। इसका मतलब हमारा चैप्टर वन कंप्लीट हो रहा है आज, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी डेफिनेटली उसमें नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस होंगी। ओके जी, आज का जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर वन का, वो ये है कि हमने मिस्टी का जो पार्सल आ रहा है जिसमें उसका नया ड्रेस है, उसके साथ प्रैंक करना है बेटा जी। इस एपिसोड में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्सल के लिए वो वेट कर रही है, कॉल कर रही है कि भाई पार्सल कहाँ पे रह गया, इतने दिन हो गए, क्यों इतना लेट हो रहा है पार्सल। अभी इसको पता नहीं कि ये पार्सल तो इसने मंगवा लिया, लेकिन हम क्या करने वाले। वो बेटा जी फाइंड बी हाइव, मक्खियों का जो छत्ता है वो हमने ढूंढना है बेटा जी। लेकिन साथ वो लिख रहा है बी केयरफुल फ्रॉम देयर। वो मैं नीचे गिर गया अभी चल रहा था मैं। कोई बात नहीं, इसका मतलब इस ऑब्जेक्टिव में हमें सबसे पहले ग्लव्स चाहिए, उसकी वजह कि हम मक्खियों के डंग से बच सकें बेटा जी, वो हमें काट ना सकें। ओके, ग्लव्स बेटा जी कहाँ पे होंगे, वर्कशॉप में यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे बेटा जी। ग्लव्स ढूंढो कहाँ पे हैं, ये कौन सा रूम है इसका, ये कौन सा रूम है, ये ऑफिस है, ऑफिस। वो टेप, टेप पकड़ लो भाई, हमें ये चाहिए, इस मिशन में हमें टेप भी चाहिए, उसकी वजह आपको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले चाहिए ग्लव, वो मिलेंगे तो हम जो बी हाइव है उसको पकड़ सकते हैं। ओह बेटा जी क्या टीचर आ रही है, वेट करो वेट करो वेट करो, दरवाजे के पास खड़ी है छुपके, टीचर आ रही है। ओके चली गई, ओए इधर से तो नहीं आ रही, इधर से ही आ रही हो तो मैं वेट करो वेट करो, नहीं जा रही जा रही जा रही है। ओके छुपके, ओ वर्कशॉप, ओए उसको पता चल गया बेटा जी। ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स, ओके जा चुकी है वो, जा चुकी है बोर्ड है, कहां पे बोर्ड, ओ वाओ ग्लव्स हमें मिल चुके हैं बेटा जी। अब हम बी हाइव को पकड़ सकते हैं, मक्खियों के छत्ते को पकड़ेंगे, और करने हम ये वाले हैं कि मक्खियों का जो छत्ता है उसको हम रखेंगे इसके पार्सल के अंदर। वाह क्या मजा आएगा बेटा जी, बेटा जी। ओके तो अब हम ढूंढेंगे बी हाइव को, मक्खियों का छत्ता कहाँ पे है वो हमने कई दफ़ा देखा हुआ है, किसी ना किसी ट्री के ऊपर होगा। ओके तो ये सीढ़ी हमने पकड़ ली है, तो बेटा जी जा रहे हैं किसके पास, बेटा जी दर्द तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं। ओ भाई देखे दर्द बहुत होती है, कभी काटी की है आपको, नहीं नहीं। चले ओ वाह ग्लव की वजह से जी हम बचे हुए हैं, और हमने इस छत्ते को उतार लिया है, अब हम इसको रखेंगे मिस्ट्री के पार्सल में। यस ओके, तो मिस्ट्री बाहर टहल रही है, हम जा रहे हैं अंदर। ओके यहाँ से लॉक है, कोई बात नहीं, विंडो से हम जाएंगे जंप करके। ओके हम आ चुके हैं घर के अंदर, ये पार्सल पड़ा हुआ है समथिंग, ओ हमें कुछ चाहिए इसकी कटिंग के लिए, कटर चाहिए बेटा जी। मुझे पता है, मुझे पता है वो किधर है, कहाँ पे होता है वो, वो ऑफिस में होता है, ऑफिस में। हाँ। ओके ऑफिस में अब हम जा रहे हैं किसके लिए, कटर के लिए, कटर के लिए, ये टॉर्चर रूम है। ओके ये जिम आ गया, ये ऑफिस। ओके यहाँ पे कहाँ पे होगा, ओह ये रेड कलर का। ओके ओके जी कटर भी हम ले चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास सारा साजो सामान पूरा हो चुका है बेटा जी। अब आएगी प्रैंक की बारी, पता नहीं कितने को अरमा इसने दिल में रखे होंगे न्यू ड्रेस को लेकर, लेकिन इसके दिल के जो अरमा होंगे वो आंसुओं में बह जाएंगे।
दिल के अरमांसुओं में बह गए। वाह वाह, ओके। ऊपर हमने टेप लगा दी है कि उसको शक ना हो कि कुछ प्रैंक होने वाला है। अब वो आ रही है, कह रही है वेयर इज माय ड्रेस। ओके, ड्रेस तो मिस्ट्री आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ऐसा ड्रेस मिलेगा कि आपको ड्रेस नजर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा बेटा जी? आंखें सूज जाएंगी, दर्द ही दर्द होगी। ओके, तो प्रैंक के लिए तैयार हो जाइए। मिस्ट्री अपना पार्सल खोलने वाली है। ओके, पार्सल खुल चुका है और वो अपना ड्रेस देख रही है। यस, और ये मक्खियों ने उस पे हमला कर दिया। दिन में तारे नजर आ गए और इस तरह हमारा चैप्टर 1 हुआ कंप्लीट।